अरे ये डेंगू का मच्छर बहुत जोर से दौड़ लगा रहा था, बहुत जोर से फड़फड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, भिनभिना रहा था। अब छोड़ो ना भाई, एक घर में घुस जाओ, नाली में घुस के मारो, एक चपक तबिल में घुसेड़ दो, इसकी कटाई दबा दो, इसको सूली में लटका दो, इसको जहर खिला दो, हैरान मत हो गए। अभी देखो भैया, ताज बारह तो दवा का छिड़काव करवा रहे थे, नगर पालिका दवा मिली नहीं तो अपने पैसा खर्च कर दिया, अपना पैसा खर्च करके दवा लेकर के आए थे और हर जगह छिड़काव करवा रहे थे, नाना पाटेकर बन गए थे। एक मच्छर साला आदमी को ही। अब एक मच्छर अगर आदमी को काट ले भैया, सीधे अस्पताल पहुंच जाएगा, मच्छरदानी कम पड़ जाएगी, हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ जाएगा, बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। वैसे बाराबंकी जेम भैया, लगातार डेंगू के प्रकोप से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लगातार भैया लोग चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसे में ताज बारह ने भैया फ्री टाउन से लेकर नागेश्वरनाथ मंदिर तक जगह जगह भैया देख लो दवा का छिड़काव करवा रहे थे, नगर पालिका दवा मिली नहीं लेकिन देख लो अपना पैसा लगा करके भैया पूरा बकरा पीपा लेकर के आए थे और हर जगह दवा का छिड़काव करवा रहे थे, लोगों को डेंगू की चपेट में आने से बचा रहे थे। हमने कहा दिखाते हैं आपको, पर फिलहाल दूसरे को देख लेते हैं। क्या नाम है आपका? हर साहब नाम के साथ साथ समस्या ना पूछो, करे जब फटके हाथ में आ जाएगा कि देखो मैं देखो जमीनों पर कब्जा हो रहा है और साहब लोग बैठे रहते हैं इसी कमरे में। जैसर मामा तो प्रदेश बाराबंकी जिले के मसौली क्षेत्र का, अब बेचारे हसन बाराबंकी के एसपी दफ्तर में आए थे, अप्लीकेशन लग रही कि साहब ले लो अप्लीकेशन, हो सके तो हमारा जमीन हमका वापस करवा दो। सब जने बगैर जमीन पर कब्जा कर ले रहे, बताइए जरा कब इंसाफ मिलेगा? तो सुनो जरा बेचारा, आप सुना रहा था जमीन कहाँ पे है? यह जमीन अनूपगंज में है, उन्हें 5 बीघे है, सईद अहमद के नाम से है, चचा है सगे, और उनसे ये जमीन जो है चढ़ाने के लिए अनीसुन्निसा उनकी जो भतीजी है उसके लिए 1 साल से चल रहा है, और जो इसमें रजा है इदरीस है और ये रजा के लड़के हैं 4-3 जानता हूँ, एक के नहीं जानता, 4 आदमी मोटरसाइकिल से सवार थे। अब ले भैया चारों लोग इनका मारी पीटी है, पहले भैया जमीन पर कब्जा कर लिया उसके बाद मारपीट भी करता है, बताइए इसमें साहब कब कार्रवाई करेंगे? साहब सुना तो कि नहीं सुना तो, अगर सुनना तो तनी कार्रवाई कीजिए, बेचारे को इंसाफ दिला दीजिए, कम से कम जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उन पर शिकंजा कस के। और फिलहाल बाराबंकी जम पहुंचा उत्तर प्रदेश के लिए एबीसी 4 की बैठक वीरू शेखर राव चांस को शिवम मसाजी को मिल सकेगी दबाद में लंग के, और खास तौर पर मसूल के आदर साहब के वीरू शेखर नगर में मधुर शिवम मसाजी को मिल सकेगी दबाद भैया।